नमस्कार दोस्तों, न्यूज वन इंडिया पर हमारी खास पेशकश बोलते तारे आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर और बात करेंगे आज राशिफल के माध्यम से विभिन्न कालखंडों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। राशिफल ग्रह नक्षत्रों की चाल पर निर्भर होता है। कोयले के 8 टुकड़े बहते पानी में प्रवेश करने से नौकरी और बिजनेस में उन्नति होगी। आइए जानते हैं 12 राशि के जातकों का राशिफल और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। ज्यादा यात्रा करना झुंझलाहट पैदा कर सकता है। आज के दिन आप शराब जैसे मादक तरल का सेवन नहीं करना चाहिए। नशे की हालत में आप कोई कीमती सामान खो सकते हैं। आपकी स्वच्छत जीवन शैली घर में तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए देर रात तक बाहर रहने और ज्यादा खर्च करने से बचें। दूसरों को खुशियां देकर और पुरानी गलतियों को भुलाकर आप जीवन को सार्थक बनाएंगे। किसी भी खर्चीले काम या योजना में हाथ डालने से पहले ठीक तरह से सोच विचार लें। चलिए अब बात करते हैं उपाय की, जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सफेद कपड़ों को ज्यादा से ज्यादा पहनने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अब बात करेंगे वृष राशि के बारे में। आपकी उम्मीद एक महक से भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी। आज किया हुआ निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। जिस पर आप यकीन करते हैं, मुमकिन है वह आपको पूरा सच न बता रहा हो। आपकी दूसरों को राजी करने की क्षमता आने वाले मुश्किलों को हल करने में कारगर साबित होगी। कामकाज के नजरिए से आज का दिन वाकई सुचारू रूप से चलेगा। चलिए उपाय जान लेते हैं, जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पारिवारिक जीवन की खुशियों के लिए दूध मिश्री सफेद गुलाब के पुष्प किसी भी धार्मिक स्थान में चढ़ाएं। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आज आप खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं, जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। बिना किसी अनुभवी शख्स की सलाह के आज ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको आर्थिक हानि हो। आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने में हर प्रयास करेगा। ऑफिस में आज आपको स्थिति को समझते हुए व्यवहार करना चाहिए। अगर आपका बोलना जरूरी नहीं है तो चुप रहे। कोई भी बात जबरदस्ती बोलकर आप खुद को परेशानी में डाल सकते हैं। राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। कोयले के 8 टुकड़े बहते पानी में प्रवेश करने से नौकरी और बिजनेस में उन्नति रहेगी। और मिथुन राशि के बाद बात करते हैं कर्क राशि की। घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए तोल मोड़ कर ही बोले। प्रेमी को आज आपकी कोई बात चुभ सकती है, वो आपसे रूठ सकते हैं। इससे पहले ही अपनी गलती का एहसास कर ले और उन्हें मना ले। करियर के नजरिए से शुरू किया सफर कारगर रहेगा, लेकिन ऐसा करने से पहले अपने माता पिता की इजाजत जरूर ले, नहीं तो बाद में आपत्ति कर सकते हैं। चले अब उपाय बता देती हूँ आपको। आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए कच्ची साबुत हल्दी बहते पानी में बहाए। कर के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। बाकी दिनों के मुकाबले आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा और आपको पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी। किसी धार्मिक स्थान पर जाए या किसी संत से मिले, इससे आपके मन को शांति मिलेगी और सुकून मिलेगा। आपके ईमानदार और जिंदा दिल प्यार में जादू करने की ताकत है। नए विचार फायदेमंद साबित होंगे। खाली समय का पूरा आनंद उठाने के लिए आपको लोगों से दूर होकर अपने पसंदीदा काम करना चाहिए। ऐसा करके आप में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। चलिए अब उपाय जान लेते हैं। उबले हुए मूंग किसी गरीब व्यक्ति को खिलाने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब बात कन्या राशि की करते हैं। काफी समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। धन से जुड़ा कोई मसला आज हल हो सकता है और आपको धन लाभ हो सकता है। आपको परिवार के सदस्य के साथ थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इस वजह से आपकी मानसिक शांति भंग ना हो। अपने प्रिय की ईमानदारी पर शक ना करें। तरोताजी और मनोरंजन के लिए बढ़िया दिन है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो व्यावसायिक लेन देन में सावधानी की जरूरत है। राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। केसर का तिलक लगाएं, इससे पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा। कन्या के बाद तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन जान लेते हैं। जो लोग अब तक पैसे को बेवजह खर्च कर रहे हैं, आज उन्हें समझ आ सकता है कि पैसे जीवन में क्या अहमियत रखती है। क्योंकि आज अचानक आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। अपने माता पिता की सेहत पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
काम को समय से निपटाकर जल्दी घर जाना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। आस पड़ोस के किसी सुनी सुनाई बात को लेकर आपका जीवन साथी पील का तार बना सकता है। राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए गेहूं की 11 दाने सूर्योदय के समय खाएं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बच्चे आपकी शाम को खुशी की चमक लाएंगे। थकाऊ और उबाऊ दिन को अलविदा कहने के लिए एक बढ़िया डिनर की योजना बनाएं। उसका साथ आपके शरीर में फिर से ऊर्जा भर देगा। आज आपको अपने उन रिश्तेदारों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए जिन्होंने आपका पिछले उधार अब तक वापस नहीं किया है। ऐसा लगता है कि पारिवारिक मोर्चे पर आप ज्यादा खुश नहीं हैं और कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। आप निश्चित तौर पर ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके करियर में मददगार साबित होंगे। और अब बात करते हैं राशिफल के बाद उपाय के बारे में। भैरव मंदिर में दूध चढ़ाने से फैमिली लाइफ अच्छी चलेगी। और अब बात करते हैं धनु राशि की। आज खेल कूद में हिस्सा लेने की जरूरत है क्योंकि चिर यौवन का रहस्य यही है। आर्थिक पक्ष को मजबूत होने की पूरी संभावना है। अगर आपके किसी शख्स को पैसा उधार दिया था तो आज आपको वो पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। घर पर कोशिश करें कि कोई आपकी वजह से आहत ना हो और परिवार की जरूरतों के मुताबिक खुद को ढालें। किसी से अचानक हुई रोमानी मुलाकात आपका दिन बना देगी। नए ग्राहकों से बात करने के लिए बेहतरीन दिन है। चलिए उपाय बता देती हूँ आपको। तांबे का कड़ा धारण करने से स्वास्थ्य बना रहेगा। और अब मकर राशि की बात करते हैं। बहुत ज्यादा चिंता और तनाव की आदत आपकी सेहत बर्बाद कर सकती है। मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए शंका और झुंझुलाहट से निजात पाए। आज यदि आप आपके दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो पैसा सोच समझकर खर्च करें, धन हानि हो सकती है। आप सभी पारिवारिक कर्जे खत्म करने में कामयाब रहेंगे। आप आज प्यार की मनोदशा में होंगे। संतोषजनक परिणाम पाने के लिए काम को योजनाबद्ध तरीके से करें। दफ्तर की परेशानियों को हल करने में आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। बंदरों को गुड़ चने खिलाने से हेल्थ अच्छी रहेगी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। लंबे सफर पर जाने से बचे क्योंकि लंबी यात्राओं के लिए अभी आप कमजोर हैं और उनसे आपकी कमजोरी और बढ़ेगी। आज धन आपके हाथ में नहीं टिकेगा। आपको धन संचय करने में आज बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से पहले आपको सभी की राय जानने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग प्रेम के संगीत में डूबे हुए हैं वही इसकी स्वर लहरियों का आनंद ले सकते हैं। आज के दिन आप भी उस संगीत को सुन सकेंगे जो दुनिया के बाकी सभी गीतों को भुलवा देगा। चलिए उपाय जान लेते हैं। सफेद चंदन का तिलक लगाए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के काम करने के लिए अच्छा दिन है। लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल जाएंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक उपहार मिलेगा। दूसरों की दखल अंदाजी गतिरोध पैदा कर सकती है। किसी भी तरह की साझेदारी करने से पहले उसके बारे में आपकी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुने। घर में पड़ी कोई पुरानी वस्तु आज आपको मिल सकती है जिससे आपको अपने बचपन के दिनों की याद सता सकती है और आप उदासी के साथ अपने दिन का काफी समय अकेला बिता सकते हैं। और अब उपाय जान लेते हैं। सफेद संगमरमर की बनी कोई भी वस्तु आपके प्रेमी प्रेमिका को गिफ्ट करने से लव लाइफ बेहतर होगी। चलिए बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।